और सिमर म्यूट करो बेटे अपने आप नु, थोड़ा सा इतना ध्यान दिया करो बेटा। यस गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बेटा असि अपनी जड़ी कल वाली कविता है माँ बोली पंजाबी ओदी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करांगे, क्योंकि मैं थानू करन दित्ती सी पता। सब कैमरा ऑन करो, मैं कल की किया सी जिन्हां दे कैमरा ऑन नहीं होणगे राजा मैं थानू वेटिंग रूम च पा देना या मैं थानू रिमूव कर देना, क्योंकि तुसी कल बहुत सारे वो बच्चे जिन्हां दे कैमरा ऑन नहीं सीगे मैनू जवाब नहीं दे रहे सी, इसलिए राजे मैनू नहीं पता तुसी बैठे हो कि नहीं बैठे, क्लास लगा के आप इधर उधर हो गए हो, बिल्कुल नहीं पता। गुरसीमा टोनी बत्रा दे नाम नाल जिन्हें ज्वाइन किया है, दर्श केशव मोदगिल जल्दी कैमरा ऑन करो बेटे, जल्दी जल्दी शाबाश, हरी आप दर्श वर्मा जल्दी करो कैमरा ऑन, केशव नहीं तो मैं रिमूव करन जा रही हूँ बेटा थानू वेटिंग रूम च तो जरूर, केशव हरी आप बेटा, मैंने कितना पता, देखो हूँ मैं आवाज़ लगाई जा रही कैमरा ऑन नहीं कर रहा, इट मीनस वो इतने है ही नहीं है ना, वो क्लास लगा के बच्चा तो आप इधर उधर हो गया, यही मनागी ना मैं। यस हजे होर भी है सुक्षम रुचित नवनीत, एक एक का नाम नहीं लाँगी बेटे, इन्ना टाइम नहीं होंगे साढ़े को, सारा टाइम इन्होंने चीज़ों से वेस्ट नहीं करना, पर अजय यस जल्दी जल्दी वेरी गुड करो केशव अपना कैमरा ऑन। अच्छा चलो एक बार तो करो केशव स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे, ओके फिर ठीक है ना करो फिर मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है मैं दस के कर रही हूँ केशव, मैं दोबारा कह रही हूँ इट्स माई लास्ट वार्निंग बेटा कि तुसी कैमरा ऑन कर लो, केशव कैमरा ऑन करो, शाबाश मन्नत के नाम ना जिन्हें ज्वाइन किया है बेटा तुसी भी ऑन करो, मन्नत प्रीत यस ओके माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है वो अलग गल है बेटे, पर बिना वजह कैमरा ऑन ना करना गलत है ना। यस देखो लगता भी है कि हाँ बच्चों नाल गलबात हो रही है वार्तालाप हो रही है, उदों तो इतना लगता है कि दीवार नु पढ़ाई जा रहे हैं असीं, राइट ओके हूँ जल्दी जल्दी ना हाथ खड़े करो तो मैं ये दसो जी कविता है माँ बोली पंजाबी इसका कवि कौन है, जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो, शाबाश कौन दसेगा, हरी आप रेज योर हैंड्स, यस वेरी गुड गुड ओके, एथा थोड़ा कैमरा तो खराब है बेटा पर माइक तुसी अपना अनम्यूट कर सकते हो अपने आप नु, एथा अनम्यूट करो तो दसो जी माँ बोली पंजाबी कविता का कवि कौन है, एथा निबंध निबंध अनम्यूट करो दसो बेटे माँ बोली पंजाबी कविता का कवि कौन है, गुड आफ्टरनून बेटे मैं मनमोहन सिंह दाऊ, यस मनमोहन सिंह दाऊ नहीं है बेटे, वो है मनमोहन सिंह दाऊ, देखो सामने लिखा हुआ है कवि का नाम है मनमोहन सिंह दाऊ, तत्ते नु करना उड़े नु लैंकर दे उत्ते बिंदी दाऊ नहीं है इस दाऊ, ठीक है दाऊ याद रखना है मनमोहन सिंह दाऊ, पूरी तरह स्पेलिंग भी चेक कर लो बच्चे, सब तो पहला मुझे तो तुसी अपना काम स्टार्ट करना है, उसके तुसी पीटी 2 लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, सॉरी पाठ का नंबर लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, देन जेकर कविता जो भी है कविता है लेख है जो भी है उसे राइटर का या पॉइंट का नाम उसी लिखना है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे, यस ओके। तो हुन असि जल्दी नाल बैक एक्सरसाइज डिस्कस करन जा रहे हैं, एक मिनट दियो बस बेटे मैनू, शो करन तो पहला मैं बैक एक्सरसाइज जी है ना थोड़े ना पहले थोड़ा पूछ लेनी चाहिए है, फिर ही मैं थोड़ा शो करांगी, जल्दी जल्दी हाथ थले कर लो बेटा, एक बार जो क्वेश्चन एक खत्म हो जाए ना अपने हाथ थले कर लिया करो बच्चे, प्रश्न उत्तर छोटे प्रश्न आई थिंक हो गए सी, हाँ जी कवि ने डैश दी महिमा का गुणगान किया है, शिवांश शिवांश जल्दी अनम्यूट करो, कवि ने डैश दी महिमा का गुणगान किया है, किसकी महिमा का गुणगान किया है, कवि ने माँ बोली तो कवि ने माँ बोली तो बलिहार जान दी गल कीती है, शिवांश बेटा जी प्रश्न उत्तर जेड़े अपने कल ही हो गए सन,
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਮਿਊਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਯੈਸ ਦਰਸ਼, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਲੈਂਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦਰਸ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਦਰਸ਼ ਹੈਡਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ ਹੈਡਫੋਨ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਰਿਮੂਵ ਯੋਰ ਹੈਡਫੋਨਸ। ਸੁਭਾਂਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਡੈਸ਼ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਅਵਨੀ ਢੀਂਗਰਾ, ਬਚਪਨ। ਯੈਸ, ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬੇਟੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਿਕਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਮੈਮ ਕਿੱਸਾਕਾਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਡੈਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਜਸਨੂਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੱਚਾ, ਜਸਨੂਰ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ? ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕਰ। ਜਸਨੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟੇ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਿੰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਬੋਲੋ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣਾ। ਯੈਸ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਡੈਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਵ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਂਵ? ਅੱਛਾ, ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਵਿਨ, ਹਾਰਵਿਨ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਹਾਰਵਿਨ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਂਵ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਨਾਉਨ, ਮੈਮ ਨਾਉਨ, ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਉਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਉਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਮੈਮ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਸੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ। ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੇਟੇ। ਮੈਮ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਂਵ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਂਵ ਹੈ। ਓਕੇ,
ओके फाइन चलो अगे चलते हैं। पत्थर चुक के लियाओ, पत्थर चुक के लियाओ। भवनीत अनम्यूट करो जल्दी जल्दी। भवनीत यस मैम। दसोगे ये नाव केड़ा है पत्थर चुक के लियाओ च? मैम पत्थर। पत्थर वेरी गुड। नेक्स्ट है साडा भारत देश बहुत महान है। हुन पता चलेगा। श्रीशा जैन, श्रीशा साडा भारत बोलो। भारत देश, भारत देश। देखो बेटे वाक सीगा साडा भारत देश बहुत महान है। ठीक है, भारत जेड़ा है वो भी नाम है, देश जेड़ा है वो भी नाम है। ठीक है जी, वो भी नाम है ये भी नाम है। जे असि इन दोनों नु वखरे वखरे इंटरलाइन करते हैं तो दो नाम बन जाते हैं, एक है देश एक है भारत। भारत जेड़ा है वो खास नाम है क्योंकि भारत इको ही है, सारे देशों का नाम भारत नहीं है। देश जेड़ा है नाम है क्योंकि देश कोई भी हो सकता है, अमरीका कैनेडा आस्ट्रेलिया भारत पाकिस्तान है ना। जे असीं पूरे नूं अंडरलाइन कर देंगे तो यह बन जाएगा खास नाम, पर जे असीं इन्हां नूं वक्खरे वक्खरे करते हैं तो यह बन जाएगा खास नाम ते होएगा आम। क्लियर क्लियर यस ओके। ठीक है जी, तुसी दोनों नु कट्ठे भी अंडरलाइन कर सकते हो, तुसी दोनों नु वक्रे वक्रे भी अंडरलाइन कर सकते हो, पर होने दोनों शब्द अंडरलाइन चाहिए हैं, राइट। आगे है बेटा जी, सूरज तो सानू प्रकाश मिलता है। यस भार्गवी, भार्गवी अनम्यूट करो बेटे। सूरज तो सानू प्रकाश मिलता है। सूरज, सूरज यस सूरज। सूरज एक खास नाम है क्योंकि हर चीज का नाम सूरज नहीं होता, सूरज एक ही चीज का नाम है। सोना एक कीमती धात है, सोना एक अंकिता, सोना एक कीमती धात है। अंकिता यस अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून मैम। सोना धात भी जेड़ा है वो एक नाम है, किसी चीज का नाम है धात, राइट। सोना भी ते धात भी दोनों नु तुसी अंडरलाइन करोगे। अगो सी बेटे इस कविता विचो तुकांत मिलाउंदे शब्द लिखो। तुकांत मिलाउंदे मतलब जिथे इक्को जे लय होंदी है, इक्को जे लय वाली कविता दे अखीर विच मिलदा जुलदा होवे। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਈਏ ਗਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਈਏ ਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਹਰੀਆ 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 ਬੱਚਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। बड़ी जल्दी मेरी गल मनते हैं, वेरी गुड बेटा। मनोबल जी हाथ थले करो बेटा जी। मिसबा हाथ थले करो राजे। मिसबा मन्नत हाथ थले कर लो बेटा। गुड। हाँ जी हूँ तुसी दसोंगे जाइए गाइए कुछ और नाल। हर्षिका, हर्षिका अनम्यूट करो। कोई और दुकान मेल वाला शब्द है? हाँ जी बोलो मैम। ले आइए ले आइए ले आइए ले आइए समझाइए, है ना। पीछे ये दी जड़ी साउंड है वो सेम होनी चाहिए है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट शब्द है प्यार। प्यार दा तुकांत मेल वाला कोई शब्द दसो। प्यार अथर, अथर दसो बेटे। वेरी गुड अथर, अनम्यूट करो राजे। प्यार, हाँ जी हाँ जी बोलो बेटे। देखो एंजल का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। देखो किन्ने जनिया के हाथ खड़े हैं, वेरी वेरी गुड, शाबाश। गार्गी अनम्यूट करो अपने आप नू, ते नाले कैमरा ऑन करो। गार्गी स्विच ऑन योर कैमरा बच्चे। यस प्यार सत्कार, वेरी गुड। बंगार भी हो सकता है, बड़े सारे शब्द हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਰੇ ਮੈਮ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੋਈ ਹੋਰ
भूमिका भूमिका यस तारे प्यारे न्यारे सारे है ना सारे यस वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटे म्यूट कर लो सूक्ष्म म्यूट कर लो बेटे। नेक्स्ट है बेटे शब्द है बोली लवली लवली बोली शब्द का कोई तकांत मिला शब्द दसो बेटे। मैम होली होली ओके एनीवन एल्स कोई और शब्द किसे दिमाग से आ रहा टोली वेरी गुड। ध्रुविका मैम कोली कोली वेरी गुड। यजत यजत मैम पड़ोली कड़ोली ओके टोली भी हो सकता है टोली ढोल बजाने वाला है ना डोली भी हो सकता है डोली होती है ना देखो जब कुड़ी विदा होती है डोली जाती है राइट बोली डोली टोली कोली ठीक है। अब क्या बेटे असीसा असीसा का कोई तुकांत मेला वाला शब्द कौन दसेगा ओके भारती भारती जल्दी अनम्यूट करो दसो असीसा का तुकांत मेल वाला कोई शब्द असीसा नाल कोई तुकांत मेल वाला शब्द यस भारती जल्दी बेटे नहीं मैं राजे कल भी तुम्हें एक चीज समझाई सी कि बेटा जी एक बारी अनम्यूट जरूर होया करो कह दिया करो मैम मैनू नहीं पता इतना बन के नहीं बैठना कि मैं तो सुनिया ही नहीं तुसी की बोल रही वेरी बैड इट्स वेरी वेरी बैड बच्चे ओके शौर्य शौर्य असीसा शब्द का कोई तुकांत मेल बनाओ बेटा असीसा शौर्य अनम्यूट करो बेटे। हाँ जी बोलो बच्चे असीसा का मिलता जुलता शब्द कोई तुकांत मेल वाला कुछ भी कोशिश नहीं पता ओके नो प्रॉब्लम। किरणदीप म्यूट कर लो बेटा किरणदीप यस किरण गुड आफ्टरनून बेटे। हाँ जी जल्दी जल्दी बोलो है कोई शब्द दिमाग च आ रहा है तुकांत मेल जिदा असीसा नाल हो रहा हो पीछे सा आ जाए बोलो बेटे। दिलावा दिला राजा जी शब्द है असीसा भावे सीसा आ जाए भावे सा आ जाए इतना जिहड़ा शब्द है पीछे बनदा होना चाहिदा है यस ओके कमाक्षी कमाक्षी जल्दी जल्दी अपने अनम्यूट करो तो दसो बेटे कमाक्षी रीसा वेरी गुड चीसा ओदी चीसा निकल गई है ना चीसा रीसा कुछ भी हो सकता है वेरी गुड ओके एंजल एंजल अनम्यूट करो बेटे। हाँ जी थोड़ा डाउट क्लियर हो गया किरिंदर ओके फाइन 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 हूँ असं करा इसके वे प्रश्न उत्तर से तुम दसोगे ये उत्तर तुम्हें पता ही हाथ थले करो एक बार सारे जने जल्दी शाबाश थले करो हाथ जल्दी 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 वेरी गुड ओके इतने कि टर्न ही आई अथर्व तुसी बेटा अपने आप में एक बार अनम्यूट करो अथर्व। हाँ जी तुसी दसोगे कवि मां बोली का सत्कार किस दी तरह करना चाहता है यस बोलो बोलो बेटा अनम्यूट किया कुछ बोलो जो भी थोनों पता है कवि मां बोली का सत्कार किस दी तरह करना चाहता है। हाँ जी बेटे बेटा जी शब्द प्रश्न जेड़ा है वो वड्डा प्रश्न है वाका विच उत्तर देना है इसका तुसी ठीक है वाक बना के उत्तर दियो कवि मां बोली दा सत्कार बोलो नहीं बोलना ओके मन्नतप्रीत मन्नतप्रीत अनम्यूट करो बेटे उत्तर दियो कवि मां बोली दा सत्कार किस तरह करना चाहता है
गुड आफ्टरनून मैम। कवि मां बोली दा सत्कार सगी मां वांगू करना चाहुंदा है। वेरी गुड वेरी गुड। कवि मां बोली पंजाबी कविता विच कवि अपनी मां बोली दा सत्कार अपनी सगी मां वांगू करना चाहुंदा है। वेरी गुड। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं, सामने देख लो इसका उत्तर। मां बोली पंजाबी कविता विच कवि मां बोली दा सत्कार अपनी मां वांग ही करना चाहुंदा है। राइट। नेक्स्ट है बेटा जी प्रश्न, साडी भाषा विच की सांभिया पिया है। एंजल, यस एंजल, साडी भाषा विच की सांभिया पिया है? जल्दी अनम्यूट करके बोलो। साडी भाषा विच सभ्याचार संध्या हुआ है। वेरी गुड। सभ्याचार दे स्पेलिंग है सस्योत्यंतक भविनुसियारी एडे नुपन्ना चचे नुपन्नारा। सभ्याचार चंगी तरह स्पेलिंग दिखी नहीं रहे हो तो शायद। साडी भाषा विच साडा सारा सभ्याचार संध्या पिया। बेटे अनम्यूट किने कीता है? अपने आप नु म्यूट करो। किसने अनम्यूट किया है बेटा जी? अगला प्रश्न है बेटा जस्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस सारी। बेटे चेक करो आप कौन अनम्यूट होया हुआ है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कवि ने केड़े केड़े कवियां का जिक्र किया है। वे केड़े केड़े कवियां बारे गल कीती है, उन्हां दे पूरे नाम दसने हन। हुण दसो जी कौन दसेगा? यस वेरी गुड वेरी नाइस। इन्नी तां मैनूं उम्मीद भी नहीं सी। वेरी गुड। यस सुभाषु दसोंगे बेटा? यस मैम। दसो बेटा कवि ने अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, सुरजीत पात्र दे कवि दे नाम दिते हन। ओके पहली गल सुनो बेटे, ठीक है तीनों नाम ठीक हन, पर जेकर तुहानू पूरे कवियां दे नाम याद नहीं हन तां तुसीं चार तीन चार कवियां दे नाम याद करके उसदे पिछे लिख देना है आर। एडे नु पन्ना तत्ते नु सिहारी पता ना आ तां कुछ मैं एटसेट्रा, मतलब इस तों इलावा होर भी कई कवियां है ना असीं लिख सकते हां। इस कविता विच कवि ने अमृता प्रीतम, वारशा, बाबा फ्रीजी, प्रोफेसर मोहन सिंह, शिव कुमार बटालवी अते सुरजीत पात्र आदि वर्गे महान कवियां दा जिक्र कीता है। ठीक है, भावें तुसीं सारे कवियां दे नाम लिख दिते हन फिर भी याद लिख दोगे तां गलत नहीं होएगा, क्योंकि कई बार बाई चांस कोई कवि दा नाम छुट जाता है, इस करके आदि लिखने नाल कवर हो जाएगा तुहाडा सारा। ठीक है बेटा, ओके थम्स अप करके आंसर करो। क्लियर है? वड्डे प्रश्नां च या कविता विच या बैक एक्सरसाइज किसे नूं कोई दिक्कत है तां अपने अपना नाम लिखो चैट बॉक्स, अगर प्रॉब्लम है कोई तां किसे नूं जल्दी जल्दी फिर चैट बॉक्स अपना नाम लिखो, मैं तुहानूं अनम्यूट करवा के पूछा। नहीं है? ओके वेरी गुड। हुण जरा मैनूं सार दसो, सार कौन सुनाएगा? जेकर किसे नूं कविता याद है या कविता कोई गल नहीं, तुसीं कविता अपनी जिहड़ी किताब तों पढ़ के उसदे अर्थ दस दो मैनूं। कौन करेगा? यस कविता पढ़ के नाल नाल अर्थ कौन करेगा? चलो पहले पहले दा यज तुसीं कर दो। कविता जिहड़ी है तुसीं याद करनी है, पता ना कविता सुननी भी है। मैं नेक्स्ट पीरियड जिस दिन भी अपना होया मैं सब तों पहला कविता सुननी है फिर मैं अगली चीज़ शुरू करनी है। कविता आती होनी चाहिए तुहानूं। राइट या जब जल्दी नाल कविता पढ़ो ते उसके पहले पैरे दा सार ओ अर्थ करो। यस मां बोली तो सदके जाइए इस दी महिमा सदा ही गाइए। मां बोली नु करिए प्यार मां वंगू करिए सत्कार। इस दा अखर अखर सिखिए शब्द शब्द पढ़ सुंदर लिखिए। इस विच बचपन मौजा माणे मां दी ममता कोई न जाने। ए कर दी सुपने साकार इस विच साडा सभ्याचार। फरीद नानक भगता दी वाणी वारस शाह लिखी प्रीत कहानी।
सूफी किस्सा कारा दी ये बोली लिस्ता विच जो मिस्री को लिसन बेटे लिसन राजे लिसन में कैसे पहला पैरा पढ़ो थे उसे अर्थ करो यस चलो पहले पैर अर्थ करो बाकी बाकी करेंगे जल्दी शाबाश जल्दी पहले पहले माँ बोली तो सदके जाइए यानी वो कह रहे हैं कि असी साडे माँ बोली तो बलिहारे जाइए कुर्बान जाइए एक मिनट रुकिए जब एक मिनट रुकना बेटे थानू पता है ना सार लिखन ली सब तो पहली लाइन विच की लिखना होगा यजत मैम कविता का नाम ते कवि का नाम किद्दा लिखांगे कविता माँ बोली ते कवि है मनमोहन सिंह दाऊ असि लिखांगे मां बोली पंजाबी कविता मनमोहन सिंह दाऊ दी लिखी हुई है इसीलिए एक चीज जेडी तुसी याद रखनी है कविता दा नाम सिंगल कॉमास होना चाहिदा है कवि दा नाम सिंगल कॉमास विच होना चाहिदा है मतलब इधर एक कॉमा पाना है कविता दा नाम मां बोली पंजाबी ठीक है इसे जिसे कवि दा नाम आएगा भूलना नहीं है कवि का नाम कविता का नाम सार विच सब तो पहली लाइन होती है पर दोनों चीजां जेड़ियां हन सिंगल कॉमास विच होंदियां हन राइट हाँ जी अगे चलो बेटे अगली लाइन है इस दी महिमा सदा ही गाइए यानी कवि कह रहा है तो साड़ी अपनी मां बोली पंजाबी दी महिमा यानी बढ़ाई गाइए मतलब सानू अपनी मां बोली पंजाबी दे गुणगान जड़े है महिमा जड़ी बढ़ाई जड़ी प्रशंसा जड़ी हर वेले ही करते रहना चाहिए है सदा मतलब हर वेले हां जी मां बोली नु करिए प्यार भी कवि कह रहा है भी असि मां बोली नु बहुत प्यार करिए जिवें असी अपनी मां वांगू उनू सतिकार भी करिए हां जी सानू अपनी मां वेरी गुड वेरी वेरी गुड शाबाश सानू अपनी मां बोली नू जेड़ा है वो प्यार करना चाहिदा है ते अपनी सगी मां वांग ही अपनी मां बोली नू सत्कार देना चाहिदा है ओके नेक्स्ट कौन करेगा अगले पैरे दा उही उही हाथ खड़े है फिर मैं किसी और को करवा लांगी जेड़ा हाथ खड़ा नहीं खड़ा ओके फाइन और अनम्यूट करना पैना है तुहानू यस नवनीत फिफ्थ रेड नवनीत अनम्यूट करो बेटे नवनीत अनम्यूट करो बच्चे नवनीत अगले पैरे दे अर्थ दसो बेटे जल्दी जल्दी शाबाश हरिया जब तक नवनीत अपने कैमरा ऑन कर दिया और अनम्यूट कर दिया मैं चैट बॉक्स विच बेटे अटेंडेंस लिंक भेज देता है जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा दो यस ओके नहीं ऑन कर रहे थे थोड़ी मर्जी है संचिता संचिता अगले पैरेंट बेटे अर्थ कर दियो इसका अक्षर अक्षर सीखिए शब्द शब्द पढ़ सुंदर लिखिए इस विच बचपन मौजा माणे मादी ममता कोई न जाने एक करती सुपने साकार इस विच साडा सभ्याचार ओके संचिता तुसी बेटा अनम्यूट करो तो जल्दी जल्दी अर्थ कर दो शाबाश वेरी गुड मैम कहाँ से बोलना मैम वो मैं अटेंडेंस ले पंजाबी बोलो पंजाबी बोलो इस दा अक्षर अक्षर सीखिए दूजा पे रहिए बेटा इस दा अखर अखर सीखिए शब्द शब्द पढ़ सुंदर लिखिए इधर आपकी दोस्तो दो लाइन दा कभी की क्या मतलब है इधर मतलब है कि अखर अखर नू सीखना है ते शब्द पढ़ के सुंदर लिखाई करनी है हाँ जी मतलब पंजाबी नू ही पढ़ना सीखना आना तो अनु जड़ा ओ चाहिदा है हाँ जी बेटे अगे इस विच बचपन ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੀਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੈਸ ਮਾਛੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਯੈਸ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਨਿਬੰਧ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਸੂਫੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰੀ ਕੋਲੀ ਯੈਸ ਨਿਬੰਧ ਨਿਬੰਧ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੰਨਤ ਅਨਮੁਟ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਮੰਨਤ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰੀ ਬੋਲੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਕੇ ਐਂਜਲ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਤਰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਯੈਸ ਐਂਜਲ ਮੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਮ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਤਰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਪਾਤਰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਅਵਨੀ ਅਵਨੀ ਢਿੰਗਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਮੈਮ ਇਹ ਜੋ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਦੇ ਜਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਕਿਆ ਜਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਗ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਿਤਾ ਅੰਕਿਤਾ ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਜਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇ ਅਸੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਭਾਰਗਵੀ
ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇ ਅਸੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਮੈਮ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਯੈਸ